शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देखिए ये डेड बॉडी पड़ी है, किसी बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद इस गरीब आदमी को कुचल कर भाग गया। क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? हमारे आने से पहले पुलिस यहाँ पहुंच गई। तो माँ को भी नहीं बता के अरे बेटा तुम लोग आ गए। इंस्पेक्टर चौबे से तो मिले हो ना, तो वो फैक्ट्री की इनॉग्रेशन होने वाली है ना, उसी की सिक्योरिटी के लिए बात करने आए। सफर की थकान हो गई होगी तुम लोगों को, जाओ नहा धो के फ्रेश हो। जाओ बेटा। इनके सामने मेरी माँ के गुम होने की अभी कोई बात मत करना प्लीज। लेकिन क्यों अचानक इनका ऐसे चले जाना अजीब सा लग रहा है? पर फिकर मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। नमस्कार। नमस्कार। बच्चे अभी अभी इतना अच्छा टाइम बिता के आए हैं, माँ के बारे में सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सच पूछिए तो मुझे वो दोनों भी परेशान से लग रहे थे। यश जी, आप बैठिए। परेशान हो रहे हैं यश जी, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया। हम आपके लिए पानी लेकर आते, आप ब्लैक कॉफी पियेंगे? हम अभी लेके आते। क्या हुआ यश की तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस गरीब आदमी को कुचल के भाग गया, क्या पुलिस कार्रवाई करेगी इस हिट एंड रन केस की? तू तो ठीक ठाक एक्टर है यार, तुझे तो इनाम मिलना चाहिए। यश गर्ग, बीमारी है ना तुझे अंजलि के आसपास मंडराने की, तू देख कैसे तुझे पुलिस स्टेशन से लेकर जल्दी पागलखाने तक पहुंचाता हूं मैं। हेलो, तुम दोनों जब से गोवा से आए हो थोड़े से परेशान दिख रहे हो, कुछ हुआ था क्या वहां? यहां पे तुम दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना कि हम गोवा में लगातार घूमते रहे तो थोड़ी सी थकान हो गई है। हम अभी यश जी के लिए ब्लैक कॉफी बना देते हैं। अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं भिजवा देती हूँ। कौन है? यश जी हम हैं, अंजलि। जी क्या हुआ है, क्या हो गया? तुम
डेड बॉडी पड़ी हुई है। किसी बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद इस गरीब आदमी को कुचल के भाग गया। क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? मैं वहां से नहीं भागना चाहिए था। मुझे वहां से नहीं भागना चाहिए था। मेरा सर फट जाएगा अंजलि, मेरा सर फट जाएगा, मेरा सर फट जाएगा एकदम। शांत सर। तुम अपराधी हो, तुमने गुनाह किया है। नहीं नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मर गया वो, तेरी गाड़ी के नीचे आके मर गया वो। नहीं, वो मरा नहीं था, वो सांस ले रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अपने हाथ देख, तेरे हाथों पर एक बेगुनाह का खून लगा है, देख अपने हाथ। किसके खून की बात कर रहा है ये? वो हम दिल्ली से मथुरा आ रहे थे ना, तो हाईवे पर ही पूरा एक्सीडेंट देख लिया यश जी ने, तब से अपसेट हो गए। सफर की थकान भी बहुत है ना, तो आराम करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। एक बहुत ही अहम जानकारी चाहिए। अच्छा, मथुरा में भी कोई पागल खाना है या फिर मरीज को सीधा आगरा ले जाना पड़ेगा? आगरा? अच्छा ठीक है। जो हुआ उसे भूल जाइए यश जी, आपने ही तो हमें बताया था ना कि आपने तो पहले ही ब्रेक लगा दी थी। आपकी कोई गलती है ही नहीं, बस थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। रिचा, क्या बात है बेटा? जब से तू डॉक्टर के पास से आई है, कमरे से बाहर भी नहीं निकली। बताया भी नहीं कि तेरी रिपोर्ट में क्या आया है। मम्मी आप जाइए यहाँ से, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, अपनी माँ को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? मैंने कहा ना आप जाइए यहाँ से। मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए मम्मी। रिचा, मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दीजिए। रिचा, रिचा, ऐसा क्या आया रिपोर्ट में जो रिचा इतनी परेशान लग रही है? किसी को कुछ नहीं बताना मुझे,
जो करना होगा खुद करूंगी मैं। बहुत जल्द आपकी ऋचा आप लोगों से दूर चली जाएगी, बहुत जल्द। बेचारा यश, लगता है एक्सीडेंट वाली बात इसने अपने दिमाग में बैठा ली। खैर, हमारा सामान खा लेके जा रहे हो तुम? हाँ, आज के बाद तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। यहाँ नहीं रहेंगे से क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, तुम दोनों को स्टोर रूम खाली करना पड़ेगा। दिखा देना तुमने अपनी औकात। हाँ तो होता कौन है हमें इस कमरे से निकालने वाला? वारिस, गर्ग भवन का वारिस। सच कहते हैं लोग, एक बार चरित्र पर धब्बा लग जाए तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तुम लोग को अब भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है ना? होती है जलन, होती है। जब तुझे अंजलि के साथ देखता हूं बहुत जलन होती। जी करता है जिस हाथ से तू अंजलि को छू रहा है उसे तोड़ दो, पर मैंने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया है। कहा था ना गोवा में तुमसे कि नहीं आऊंगा तुम दोनों के बीच, बढ़ाया था ना दोस्ती का हाथ तुम दोनों की तरह। इतना परेशान होने वाली बात नहीं है यश, घर से थोड़ी ना निकाल रहा हूं तुझे। नहीं समझा, आज से तुम और अंजलि दोनों अपने बेडरूम में रहोगे। अरे यार, मेरा दिमाग घूम गया था जो तुम्हारे कमरे पर मैंने कब्जा कर लिया, सॉरी यार। नहीं चाहिए मैं अपना कमरा, तू बस हमसे दूर रह, और आज के बाद हम तेरे कहने पर कुछ नहीं करेंगे। अरे यार यश, मुझसे इतनी नफरत क्यों? नफरत? ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से तो हो रहा है, तुम्हारे कहने की वजह से हो रहा है। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं वहां एक्सीडेंट साइट से भाग आऊं, तेरी वजह से मैं खुद को गुनेगार समझने लगा हूं। जब से मैं वापस आया हूं बस मेरे मेरी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा है। तेरे कहने की वजह से उस आदमी को मैं उस हालत में वहां छोड़कर भाग आया, जैसे कि उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। शांत 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 हो जा मेरे भाई, शांत। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखी, निकल यहां से। जा रहा हूं, जा, शांत हो जा। जी, क्या हो गया आपको? अपने आपको गुनहगार समझना बंद कीजिए, पूरी दुनिया भले आप पे विश्वास ना करे लेकिन आपकी अंजलि हमेशा आपके साथ। कितनी बार पूछूं तुमसे कि तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे छिपी काली सूरत को सबके सामने लाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज तुम ऐसा मत करो, मेरा परिवार टूट जाएगा। मेरे किए की सजा तुम इन्हें मत दो प्लीज। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे तो जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं तुम्हें अभी वीडियो कॉल करूंगी, मेरे सामने अपनी बीवी को जोर का थप्पड़ मारना। ये क्या मजाक है? ये ऐसा 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 कैसे कर सकता हूं मैं? जो कहा है वो चुपचाप करो, बता भी के अभी तुम्हारी बीवी को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। नहीं 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 नहीं, समझ कर तुम टाइम वेस्ट मत करो सुबोध, मैंने जो कहा है वो जल्दी करो।
अलका, अलका, अलका जल्दी आओ। ला रहे थे आप? ये सब क्या है आंटी? बदला। हमारी बेटी को हमसे अलग करने का बदला। पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची। यश जी हमारी माँ को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। हिमांशु चाचू ने भी लाला जी को बताने के लिए मना किया है। क्या लाला जी को पता होगा कि हम और सुबोध एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे? उसने अलका से शादी कर ली। पेट में पल रहे हमारे प्यार के निशानी को जन्म देकर हमने अनाथालय भेज दिया। और उसी दिन से हमने हमारे असली नाम सुधा तिवारी को हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। और फिर मधु देवी के नाम से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अलका, मुझे माफ कर दो। अलका, आपने मुझे मारा क्यों? से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पता नहीं अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैं तुझे मारो, मुझे मारो, जितना चाहे उतना मारो, मारो, मारो। ये अचानक आपको क्या हो गया? तन क्या हो रहा है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सब गड़बड़ हो रहा है, सब। मैं जानती हूँ आप रिचा को लेके परेशान हैं, लेकिन अभी दिल बहुत घबरा रहा है। पर हम दोनों को बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे माफ कर दो। चलिए रिचा के पास चलते हैं। यश की तबीयत कैसी है अंजलि? अभी ठीक है काकी, आराम कर रहे हैं। हम ये छोटी दादी के लिए पालक का सूप बना देते हैं। रहने दो, तुमने शायद गोवा से आने के बाद ध्यान नहीं दिया, छोटी दादी घर पर नहीं। हाँ, वो छोटी दादी कहीं दिखाई नहीं दी। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी घर छोड़कर चली गई। रिचा, लगता है रिचा बाथरूम में है, तब तक उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, पता तो चले दिखा क्या है।
रिपोर्ट में क्या लिखा है? घर छोड़कर चली गई, मतलब वो किसी को कुछ बताकर नहीं गई है, बस एक चिट्ठी छोड़कर चली गई है कि वो हम सबसे बहुत नाराज है और वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती और उन्हें ढूंढने की भी कोशिश ना की जाए। यश के पापा ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है और पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है। यश जी को छोटी दादी के बारे में पता चला तो वो और परेशान हो जाएंगे। काकी, आप अभी यश जी को इस बारे में मत बताइएगा वरना वो। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि छोटी दादी ऐसे बिना बताए चिट्ठी लिखकर कैसे जा सकती है। मुझे तो लगता है कि इस मधु ने ही माँ जी को मजबूर किया होगा घर छोड़कर जाने के लिए। आखिर इस मधु देवी की प्रॉब्लम क्या है? अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।